समीर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक है जो बॉलीवुड में अपने काम के लिए उल्लेखनीय है। अपनी मधुर और गूंजती आवाज़ के लिए जाने जाने वाले समीर कुमार मोहम्मद रफ़ी के प्रबल प्रशंसक हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और चंकी पांडे, धर्मेंद्र आदि के लिए गाने गाए हैं। समीर कुमार ने अपने संगीत करियर की शुरुआत बड़ौदा में की थी, लेकिन वह भारत के अग्रणी ऑर्केस्ट्रा मेलोडी मेकर्स में एक धारा चुने जाने के बाद सुर्खियों में आए, जो मुख्य रूप से पुणे और मुंबई में प्रदर्शन करता था। बाद में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित एक शाम रफ़ी के नाम शो के प्रमोटर के रूप में मोहम्मद रफ़ी के अन्य प्रशंसकों के हाथ मिलाया। समीर का दावा है कि जब वह 1980 में रफ़ी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे तो उनकी कलाई धड़ी रफ़ी की खुली कब्र में गिर गई थी। उन्होंने इस घटना का यकीय एक देवीय संदेश के रूप में की, उन्हें रफ़ी का उत्तराधिकारी बनाना है। संगीत निदेशक उषा खन्ना ने समीर कुमार को फिल्म तजुर्बा में ब्रेक दिया। समीर को एक बड़ा ब्रेक मिला जब उनके निर्देश मनमोहन देसाई, जो रफ़ी के विकल्प की तलाश में थे, उन पर ध्यान किया और संगीत निदेशक जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनकी सिफारिश की। कुछ ही दिनों में एलपी ने समीर कुमार को फिल्म कुली में गाने दिए, जो 1983 में रिलीज हुई थी। एलपी के साथ समीर की पहली रिलीज फिल्म इत्ते काम